गाइस बात करने वाले इस वीडियो में शालिन भनोट के बारे में। शालिन की अगर हम बात करें तो बिग बॉस से इनको इनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है बिग बॉस शो। जी हाँ, यहाँ से इनके करियर की जो ऊंचाइयाँ देखने को मिली हैं, जिस तरीके से बेकाबू शो में इसके बाद ये नज़र आए हैं, तो वाकई में कमाल किया है। फाइनली बेकाबू शो के ऑफ़र की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ऑफ़र तैयार नहीं है। वहीं बता दें आपको, शालिन के पास एक और प्रोजेक्ट का ऑफ़र आया है, जहाँ पर बहुत ही जल्द वो नज़र आने वाले हैं एक न्यू प्रोजेक्ट के ज़रिए, जहाँ पर वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ होने वाली है जो बताया जा रहा है। वहाँ पर एक न्यू यूनिक स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सो शूटिंग हैदराबाद में स्टार्ट होने वाली है। सो देखना यह है कि किस तरीके का वो प्रोजेक्ट होगा, और वहाँ पर कोई बॉलीवुड का एक्टर भी साथ में होने वाला है। सो इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या होगी शालिन भनोट के फैंस के लिए, उनके अपोजिट एक्ट्रेस कौन नज़र आने वाली है, इस बात को लेकर अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, शालिन भनोट बहुत ही जल्द एक न्यू वेब सीरीज में नज़र आने वाली है, न्यू प्रोजेक्ट में एक बार फिर से अपने फैंस को एक सरप्राइज़ देने वाले हैं, जिस तरीके से बेकाबू शो के ज़रिए दिया। वैसे तो अभी तक उनके जो शो देखे गए हैं वो डेली शो के टाइप के रहे हैं, एकदम सीधे साधे कैरेक्टर वाले रहे हैं, जिस तरीके से दोनों शो का जोड़ा आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा से और भी शो उनके रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेकाबू शो में एक अलग ही अंदाज उनका देखने को मिला, जो कि एकता कपूर की बदौलत वो अंदाज उन्हें दिया गया था, उनको इस शो के लिए कास्ट किया गया। वहीं कुछ इसी तरीके से डिफरेंट अंदाज, डिफरेंट कैरेक्टर होने वाला है ये न्यू वेब सीरीज़ के अंदर। सो वाकई में फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं जब से ये खबर सामने आई है। सो देखना ये होगा कि यहाँ पर मेकर्स फैंस क्या कुछ एक्साइटमेंट से भरा लेकर आने वाले हैं, और फैंस कितना ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं उस प्रोजेक्ट को देखकर। तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम सलीन की न्यू प्रोजेक्ट को लेकर, इस न्यू वेब सीरीज़ को लेकर, कमेंट करके एक्साइटमेंट ज़रूर बताइए। वहीं बात करें अगर यहाँ पर उनके अपोजिट एक्ट्रेस में टीना दत्ता नज़र आती हैं, तो वाकई में इससे बड़ी गुड न्यूज़ कोई नहीं होने वाली, क्योंकि शालिन और टीना की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है बिग बॉस शो से। लेकिन जिस तरीके से आप जानते होंगे, वहाँ पर उनकी लड़ाई चलती ही रहती थी, और दोनों शायद बाहर निकलने के बाद एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं। तो इस बात से लेकर अगर देखा जाए तो शायद दोनों नज़र ना पाए, लेकिन अगर मेकर्स कास्ट करते हैं तो डेफिनेटली दोनों वेब सीरीज तो साथ में शूट कर ही सकते हैं। आपका इन सब बातों पर क्या कहना है ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।